पड़ा मंदाकिनी के, और जो सूर्य सूर्य चक्कर में पड़ा मंदाकिनी के, और सूर्य के चक्कर में कौन पड़ी है पृथ्वी, और पृथ्वी के चक्कर में कौन पड़ा है चंद्रमा, और मंदाकिनी जिसके पीछे सारा झाड़ है, अगर जिसके पीछे सारा झाड़ है और वही एक्सेप्ट कर लेती है, हाँ ठीक है मैं रहती हूँ तुम्हारे साथ, बात खत्म यार, कितने चक्कर लगते हैं और क्या, एक बार खत्म करो मान कर, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड से, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड से लगाता है, अब भाई साहब पलक झपकती ना आपको दिखेगी नहीं टांगे। हाँ जी देखो आपके ज्योग्राफी चल रही है, ज्योग्राफी में जो आज यू आए हैं थोड़ा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि ज्यादा निकला नहीं है, सबसे पहला आपने देखा है ब्रह्मांड, ब्रह्मांड क्या होता है, हाँ जी ब्रह्मांड क्या है, ठीक है, उसके बाद हमने देखा तारा कैसे बनते हैं, तारा बनने के लिए क्या होता है, सबसे पहले विरल गैस, विरल गैस के बाद आपका निहारिका, निहारिका के बाद आपका लाल दानव के बाद आपका लाल दानव, वो चीज डिपेंड करती है कैसे आपका, ये क्या है आपका विरल गैस, ठीक है जिसे कहते हैं विरल गैस, विरल गैस के बाद अगली कंडीशन होती है किसकी, निहारिका, निहारिका, ठीक है जो विरल गैस है, जो विरल गैस है ये क्या है आपके गैस के कण है जो दूर दूर बटे हुए हैं, गैस के कण है जो दूर दूर बटे हुए हैं, और ये क्या गुरुत्वाकर्षण के कारण, जो हम समझ रहे थे ना उस दिन चुंबक के खिंचाव नहीं हुआ करता, चुंबक के खिंचाव अलग चीज है, चुंबक के खिंचाव को अगर आप टच करोगे ना तो चुंबक के खिंचाव ये कि आपको अभी तक खींच लेगा, एक खींच लेगा इसका मतलब, लेकिन गुरुत्वाकर्षण वो चीज है जो आप गति में है, जब कोई चीज तो बीच में अटक जाएगी, अगर चारों तरफ गति कर रही है, जैसे साइकिल चला रहे हो, साइकिल चलाते हुए एक गति में हो आप, उस गति में करोगे पैदल नहीं गिरेगी, जैसे आपने खड़ा किया उसको पैदल नहीं मार सकते, तो आप क्या गुरुत्वाकर्षण आपका खत्म हो चुका है, चुंबक के खिंचाव में गुरुत्वाकर्षण थोड़ा ही अंतर है, जैसे कि चुंबक के खिंचाव क्या जैसा अगर आप इस गोले में हो और बीच में ये आप कोई चीज रख दो, ठीक है, और चुंबक के खिंचाव में तो जगह नहीं छोड़ना होता, ठीक है, अब प्रॉपर तो नहीं कह सकते आप चुंबक के खिंचाव चारों तरफ है, तो इसलिए जो यहाँ पे जो क्रिया चल रही है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक है, इसके बाद क्या है आपका लाल दानव वाली कंडीशन आती है, लाल दानव तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इसके अंदर ईंधन था ईंधन कौन सा है, इसके अंदर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, हीलियम में संलयन हो रहा है, हीलियम में संलयन, तो आपसे कई बार पूछा गया है जो तारे के अंदर ईंधन जलता है वो कौन सा ईंधन है, पहले तो ये पता होना चाहिए, हाइड्रोजन है, किसमें संलयन हो रहा है उसका, हीलियम में संलयन हो रहा है, किस अवस्था में है, प्लाज्मा अवस्था है, अवस्था पूछी जाती है कौन सी है, प्लाज्मा, ठीक है, अब ये जो लाल दानव वाली कंडीशन आई, जब कोई तारा लाल दानव की कंडीशन में पहुंचता है तो उसके आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि जब गैस सिलेंडर, जब आपके घर में गैस चलती है तो गैस जब खत्म होने वाली होती है तो और तेज बढ़ जाएगी, तो थोड़ी तेज तेज जलने लगे और लाल पड़ जाएगा पूरा, ठीक है, इस कंडीशन के बाद कोई भी तारा ये निश्चित करता है छोटा होगा या बड़ा होगा, ठीक है, जो आपका छोटा तारा उसे क्या कहते हैं आपका, श्वेत वामन, ठीक है, और आपका क्या काला वामन, ठीक है, और यहां पे है कि आपके जो एनर्जी है केवल 95% रह जाती है, ईंधन जो रहता है, ठीक है, ये लास्ट कंडीशन है किसी भी तारे, ये लास्ट श्वेत वामन लास्ट कंडीशन है किसी भी तारे, इस तारे की चमकने की, छोटे तारे की, छोटा तारा किस कंडीशन में लास्ट चमकता है, श्वेत वामन की कंडीशन में, ठीक है, ये हो गया आपका छोटा तारा, और जो बड़ा तारा है, बड़ा तारा जो देखते हैं हम आपका, तो कौन सा कहलाता है आपका, अभिनव तारा, इसे क्यों कहते, इसे अभिनव तारा भी कहा जाता है, इसे कहा जाता है आपका विस्फोटक तारा भी, ठीक है, विस्फोटक तारा, क्योंकि इसमें क्या होता है आपका विस्फोट होता है, विस्फोटक तारा, ठीक है, विस्फोटक तारा, इसमें विस्फोट होने के बाद आपका क्या होगा, सबसे पहले न्यूट्रॉन बनता है, न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन से आपके दो कंडीशन आते हैं, पल्सर और क्वेसर, ठीक है, ये जो अगर पूछा जाए किस तारे में किस कंडीशन में सर्वाधिक, किस तारे के किस कंडीशन में सबसे तेज घूर्णन गति होती है, घूमने की गति होती है, पल्सर और क्वेसर में सर्वाधिक तेज होती है, ठीक है, जो न्यूट्रॉन तारा है वो अगली कंडीशन क्या है उसकी, क्या बन जाएगा न्यूट्रॉन तारा आपका, ब्लैक होल, अब जो आपका ब्लैक होल बना है कोई भी तारा, तो ये जो ब्लैक होल, एक चीज समझ लो, ब्लैक होल क्या है, किसी भी तारे का अंत ब्लैक होल ही है,
चाहे छोटा तारा है चाहे बड़ा तारा है, किसी भी तारे का अंत कब होगा, जब वो ब्लैक होल की कंडीशन पहुंच जाएगा। आपका श्वेत वामन और काला वामन को कौन खींच लेता है अपनी ओर? ब्लैक होल, क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है, बहुत ज्यादा अधिक, ये अपनी ओर खींच लेता है चीजों को। ठीक है, ये आपका इतनी चीजें हुई थी। उसके बाद हमने क्या देखा था और? हाँ जी, और क्या क्या देख लिया आपसे पहले? इतना ही जो मेन इंपॉर्टेंट चीज यही हुई थी, और ये देखा सबसे ज्यादा। ठीक है, तार यहाँ का जो टेम्परेचर होता है समथिंग, जो सबसे कम टेम्परेचर है 6000 डिग्री। ठीक है, जो सबसे कम टेम्परेचर है किसी तारे का 6000 डिग्री सेल्सियस है, जो जिसका रंग होता है लाल, लाल रंग। ठीक है, और 20000 डिग्री सेल्सियस सफेद रंग, और सर्वाधिक कौन सा है आपका? लाखों में रहता है, इसका कोई गिनती नहीं है, लाखों डिग्री सेल्सियस है। कितना आपका? नीला रंग, नीला रंग। कोई भी तारा अगर आपको नीला दिख रहा है तो ध्यान रखना सर्वाधिक टेम्परेचर वाला है। ठीक है, अब जो ये जो हमने माना है कि ये जो बड़ा तारा है छोटा तारा है, ये कौन सी सीमा है? एस चंद्रशेखर सीमा। तो किससे मापते हैं? सूर्य का, सूर्य के द्रव्यमान के, सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना बड़ा या छोटा, बड़ा या छोटा। छोटा तारा, कोई छोटा तारा तब कहलाएगा जब सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना वो छोटा है, और कोई तारा बड़ा जब कहलाएगा जब कोई तारा आपका सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना बड़ा है। तो इसे 1.44 आपको कई बार लिखा हुआ मिल सकता है, अदरवाइज आपको ज्यादातर लिखा मिलेगा डेढ़ गुना छोटा है, डेढ़ गुना बड़ा। ठीक है, ये आपके मोस्टली पूछे जाते हैं कौन सी गैस कौन से किसमें संलयन हो रहा है, किस तारे जो सर्वाधिक सबसे कम टेम्परेचर है कितना, 6000 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, सफेद रंग का जो तारा दिखता है 2000 डिग्री, और लाखों जो आपका नीला रंग का तारा है उसका सेल्सियस, इसका तापमान कितना रहता है? लाखों में रहता है। ठीक है, जिसका नहीं हुआ है तो यूट्यूब पे क्लास है, वो देख सकते हो वहां से, और साथ के साथ आपको जितनी क्लास होंगी उसकी पीडीएफ भी मिलती रहेगी वहीं पे। ठीक है, जिसका रह रहा है वो, ठीक है, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल है उसमें मिल जाएगी। व्हाइट होल? हाँ, व्हाइट होल कुछ भी नहीं है, व्हाइट होल कुछ भी नहीं है। जैसे हमने ब्लैक होल माना है, जब ब्लैक होल तो है वास्तविकता में, अगर हम देखते हैं व्हाइट होल, व्हाइट होल कुछ नहीं है, व्हाइट होल केवल क्या है? आपकी परिकल्पना है, परिकल्पना है। कि माना गया है कि जितना जो सारा प्रकाश है ये सारा किसी एक बिंदु पर आकर संकेंद्रित, मतलब रुक रहा है, एक इकट्ठा हो रहा है और पूरे विश्व में फैल रहा है। तो माना गया ऐसा कुछ नहीं है सब आपका व्हाइट होल। ठीक है, आगे देखते हैं, आकाशगंगा। ब्रह्मांड में तारों के असंख्य समूह को क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं आपके। ठीक है, आपकी जो आकाशगंगाएं हैं, कहा जाता है आपके ब्रह्मांड में, विश्व जो आपका ब्रह्मांड है उसमें 100 अरब आकाशगंगाएं हैं ब्रह्मांड। ठीक है, तारों के असंख्य समूह, तारों के असंख्य समूह को, असंख्यक समूह को, समूह को क्या कहते हैं आपके? आकाशगंगा कहते हैं। ठीक है, आकाशगंगा, आकाशगंगा, ठीक है, आकाशगंगा कहते हैं आपके। अब आपके आकाशगंगा कितनी है अगर पूछ लिया है? 100 अरब आकाशगंगा है आपकी, 100 अरब आकाशगंगा, आकाशगंगा। ठीक है, और हर एक आकाशगंगा में कितने तारे हैं? 100 अरब तारे हैं। अगर एक आकाशगंगा है आपकी, एक आकाशगंगा, तो इसमें तारे कितने हैं? 100 अरब, 100 अरब आपके तारे हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपकी आकाशगंगाएं, इतनी आपकी और इतने आपके तारे हैं। तो हम किस आकाशगंगा में रहते हैं? आपकी 100 अरब है आपकी, सबसे जो हम जिस आकाशगंगा में, हमारी पृथ्वी है, सूर्य कौन सी आपकी, जिसे दूध मेखला कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं, मंदाकिनी कहते हैं, तीन नाम है। देखो, नाम उसी के अनेक हो सकते हैं जो आपके करीबी होगा, हर एक के नाम आपको नहीं पता होगा, हर एक का तो आपको एक ही नाम पता होगा, लेकिन जिससे आप करीब हो, जिससे आपकी बातें बातें होती, तो आप उसके कई सारे नाम रख लोगे। जैसे आपकी कौन सी? मंदाकिनी, मंदाकिनी, मंदाकिनी। ठीक है, इसका नाम क्या है आपका? अंग्रेजों ने इसका नाम रख दिया मिल्की वे, मिल्की वे, मिल्की वे। अब सबसे बड़ी समस्या है कि जब अंग्रेज, इसका नाम मंदाकिनी था, अभी अंग्रेजों ने रख दिया इसका मिल्की वे। अब सबसे बड़ी समस्या है अंग्रेज हिंदू जो आपकी हिंदी है उसमें एक और समस्या आ गई कि जब आपने मिल्की वे रखा है तो इसका, अब हमें हिंदी की सबसे बड़ी समस्या है कि आपको हर हर वर्ड का ना ट्रांसलेट करना जरूर है। अब गूगल पर आप कुछ भी डाल दो, आपको गूगल ट्रांसलेट पर आपको ऐसा ट्रांसलेट करके देगा आपको समझ में नहीं आएगा। तो इन्होंने इसका ट्रांसलेट क्या कर दिया? मिल्की का क्या होता है? दुग्ध। इसका कर दिया दुग्ध मेखला। ठीक है जी, मंदाक है जी, मंदाकिनी तो स्टार्टिंग में नाम दिया गया ऐसे मंदाकिनी। ठीक है, तो हमारे क्या अब है जी, हिंदी और इंग्लिश दोनों का ये आपके तीन नाम है अलग अलग, एक के हैं किसके, जिसमें आपका सूर्य पाया जाता है। जैसे आपके ये है, जो आपके ये
इसमें क्या है आपका सूर्य पाया जाता है, ठीक है, इसका नाम क्या है मंदाकिनी, ठीक है, जो इसके निकटतम है, जो दूसरी निकटतम है देवयानी, और जो तीसरी है, जो तीसरी है क्या नाम है, अब बोलो, NGC-N M33, ठीक है। ये मैंने तीन ही क्यों बताया, क्योंकि तीन तीन आकाश गंगाओं को मिला लिया गया, इन्हें कहा गया सुपर क्लस्टर, सुपर क्लस्टर, नाम ही वैसा सुपर क्लस्टर है, जैसे डेविड का नाम डेविड है, वॉटसन का नाम वॉटसन है नहीं, नहीं राजो राजो क्या राजोरा, ठीक है, तो ये नाम ही है सुपर क्लस्टर। ये अभी सुपर क्लस्टर पढ़ रहे हो, अभी सुपर क्रंच भी देखेंगे, सुपर क्रंच क्या है आपका, ठीक है। तो हमने क्या देखा है आपका, जो जो आपके 100 अरब आकाश गंगाएं हैं, 100 अरब आकाश गंगाओं क्या करा, तीन तीन आकाश गंगाओं में बांट दिया है, उन तीन तीन आकाश गंगाओं को जो बांटा गया है उसे बोला गया है सुपर क्लस्टर। तो हमें कौन सी जाननी है, जिसमें हमारी आकाश गंगा है, कौन सी, मंदाकिनी। तो हमें जानना है कि इसकी भी एक सुपर क्लस्टर बनाया गया है, जिसमें मंदाकिनी है उसका भी सुपर क्लस्टर बनाया गया है, तो उसमें भी तीन आकाश गंगाएं हैं आपकी, एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई। तो इसके साथ जो मंदाकिनी के साथ दूसरी है कौन सी है, देवयानी। पूछा जाता है मंदाकिनी के सबसे निकटतम आकाश गंगा कौन सी है, देवयानी, या दूसरी कौन सी आपकी, NGC-M33। इतना हुआ है मेरा मानना, जहां तक याद है इतना हुआ था आपका सारा, ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ जी, नहीं ये जो तारे हैं, जो तारे हैं आपके, जो तारे बन के जा रहा है, ठीक है, कोई एक तारा है, जो एक तारा है, कोई ऐसा नहीं कई सारे तारे को समूह है, तारों का समूह नहीं है ये, एक सिंगल एक तारा है, सिंगल एक तारा, हर हाँ हर एक तारा, मैं बता रहा हूँ, जैसे सिंगल एक तारा तारा है, जैसे आपका एक कोई तारा था जो यहाँ से विरल गैस के रूप में स्टार्ट हुआ बनना, ठीक है, एक मिनट भाई आवाज कम, तो एक तारा था आपका जो विरल गैस के रूप में बनना स्टार्ट हुआ, वो अगली कंडीशन निहारिका में पहुंचा, निहारिका में जाकर क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण स्टार्ट हुआ, उसका जो अंदर ईंधन था हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन हुआ, एक ही तारा चल रहा है ना, वही तारा अगला क्या, उसके अंदर अभी यहाँ पे कितना 100% गैस थी, 100% ईंधन था उसका। अब जब लाल दानों की अवस्था में कोई तारा आता है, लाल दानों की अवस्था में तारे का आने का अर्थ है कि उसका 95% एनर्जी खत्म हो चुकी है, केवल 5% एनर्जी बची है उसके अंदर, वो किसी एक तारे का ही चल रहा है, हर एक तारे का ये हर एक तारे के बारे में, हर एक तारा इसी प्रक्रिया से गुजरता है, चाहे आपका छोटा तारा हो, चाहे आपका बड़ा तारा हो, चाहे आपका सूर्य हो, कि सूर्य भी क्या है, एक आपका तारा ही है, ठीक है। अगर सूर्य जिस टाइम आपका लाल दानव बनेगा तो अपने पास से कितने ग्रह को खा जाएगा, चार ग्रह को, चार ग्रह को जला देगा, ये सारी चीज बताई गई थी आपके, है जी, हाँ आंतरिक में चार ग्रह हैं इसके पास केवल आपके, उन्हें खा जाएगा, ठीक है, आगे देखते हैं, चलो, हाँ जला देगा खा जाएगा, बात एक ही है, आगे देखते हैं, चलो। आज आपके बिग बैंग, आप आज आपके बिग बैंग थ्योरी देखेंगे, बिग बैंग थ्योरी है क्या, किस तरह से आपके ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है क्या नहीं, ये सारी चीज देखते हैं अभी। देखो सभी ने बिग बैंग थ्योरी पढ़ी जरूर होगी, एक बार 9th 10th में पढ़ी होगी, 11th में पढ़ी होगी, कहीं ना कहीं जरूर पढ़ी है। नहीं मेन चीज पता याद क्यों नहीं है, क्योंकि पढ़ाने का तरीका इतना खतरनाक वाला रहा है ना, मतलब ही नहीं है आप याद कर रख लो से थ्योरी को, बड़ा सिंपल है यार बिग बैंग थ्योरी, अगर मैं कह रहा हूँ आज के बाद आप भूलोगे नहीं बिग बैंग थ्योरी, ये गारंटी है। है जी, ब्लैक होल की आपके किसने खोज की थी, या डेट का तो कुछ नहीं पता भाई सब, 1929 में एक सिद्धांत जरूर आता है कि जो आपका ब्रह्म जो ब्लैक होल खोजा गया है, हर्बर है एक वैज्ञानिक, आपके हर्बर्स एक वैज्ञानिक, उन्होंने सिद्धांत जरूर दिया ब्लैक होल का, जिससे कि एक महान ब्लैक होल है जिसका जो आपकी डेंसिटी है बहुत उच्च है, हाई लेवल की है, तो उसी के फूटने से बिग बैंग थ्योरी बन रही है आपकी, ये तो दिया है सिद्धांत, लेकिन ये सी, और वही ब्लैक होल पहला खोजा माना जाता है जो 1929 में थ्योरी दी गई है। क्या कुछ और डाटा है तो बता दो, लेकिन वो है ना अभी एक तरफ से सीक्वेंस चल रही है सारी चीजें आपके, जैसे हम वो ब्लैक होल जो खोज है ना अभी नहीं पढ़ेंगे, ब्लैक होल की खोज जब पढ़ेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होगी, ठीक है, ब्लैक होल की बातें जो पढ़ेंगे, आगे देखो चलो। हमारा अपना हमारा कोई बात नहीं, हमारा अपना सूर्य जिस आकाश गंगा में है, जिस आकाश गंगा में है, आकाश गंगा में है, उसे मंदाकिनी
कहते हैं। ठीक है, हमारा अपना सूर्य जिस आकाश गंगा में है उसे क्या कहते हैं? मंदाकिनी कहते हैं आपकी, या फिर मिल्की वे या दुग्ध मेखला। ठीक है, मिल्की वे लिख लेना, बाद में ध्यान आ रहा है आपको, मिल्की वे या मिल्की वे या दुग्ध मेखला भी कहते हैं। ठीक है, हाँ जी, मंदाकिनी का आकार कैसा है? सर्पिलाकार। मंदाकिनी ना जितनी भी आपके ब्रह्मांड में क्या है, आकाश गंगा है, सबका आकार कैसा है? सर्पिलाकार। ठीक है, सर्पिलाकार कैसा आकार होता है आपका? इस तरह से कुछ ये। ठीक है, मंदाकिनी का, मंदाकिनी पूछा जाता है ये आपका आकार किस तरह का है, मंदाकिनी का आकार सर्पिलाकार मंदाकिनी का आकार। ठीक है, आगे देखो, इसके तीन घुलनशील भुजाएं हैं, इसके तीन घुलनशील भुजाएं हैं। कौन कौन सी? जैसे आपकी पहली वाली एरी, दूसरी अंदर मानी जाती, तीसरी उसके लास्ट में जो केंद्र मानी जाती है, वो है आपके उस तरह से। ठीक है, ठीक है, जैसे आपकी क्या है, ये आपकी क्या है, इधर देखते हैं सर, मिटा दे रहा हूं मैं से, ये आपकी क्या है, आकाश गंगा है, हाँ जी, घुलनशील। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपके तीन भुजाएं हैं, आपकी इसमें क्या है, तीन भुजाएं हैं। ठीक है, जो सबसे नवीनतम तारे हैं, जो सबसे नवीनतम तारे कौन सी भुजा में पाए जाएंगे? इस वाली में। सबसे नवीनतम तारे आपके इस वाली भुजा में पाए जाएंगे, बाहरी वाली में। ये कैसे तारे आपके? नवीनतम है बिल्कुल अभी। ठीक है, और जिनकी उम्र हो चुकी है, जो मध्य उम्र के हैं, जो बीच उम्र में आ चुके हैं, कहां है वो आपके? मध्य में पाए जाएंगे। ठीक है, और लास्ट में जो आपके पाए जाएंगे बिल्कुल, वो कहां पाए जाएंगे आपके? बल्ज लास्ट है आपका। ठीक है, ये तो इस हिसाब से तीन भुजाएं मानी गई है इसकी, तो लिख लो, मैं बता दे रहा हूं। हाँ जी, घूम रही है, घुलनशील मतलब घूम रही है, लगातार रोटेट कर रही है, लगातार रोटेट में है, घूमने में। लिख लो, अब तुमने समझ गया ना, लिख लो, आगे लिख लो, नेक्स्ट लिखो। जब तारे लाल दानों की अवस्था में जाते हैं, जब तारे लाल दानव की अवस्था में जाते हैं, जब तारे लाल दानव की अवस्था में जाते हैं, इनको उसमें नहीं पता, जब तारे लाल दानव की अवस्था में जाते हैं तो तारे मध्य वाली भुजा में चले जाते हैं, तब तारे मध्य वाली भुजा में चले जाते हैं, में चले जाते हैं। ठीक है, आगे देखो, ठीक है, नेक्स्ट लिखो। तारे जब अपनी अंतिम अवस्था में जाते हैं, जब तारे अंतिम अवस्था में जाते हैं तो वे केंद्रीय भुजा में प्रवेश कर जाते हैं, तो वह केंद्रीय भुजा में प्रवेश कर जाते हैं।
ठीक है। और किसी भी जो आकाशगंगा है उसका जो केंद्रीय भाग है ये जो क्या कहलाता है, बल्ज। ये जो भाग होता है किसी भी आकाशगंगा का इसे क्या कहते हैं, बल्ज। बल्ज ठीक है, तो लिख लो मंदाकिनी के केंद्रीय भाग को बल्ज कहते हैं। मंदाकिनी के, मंदाकिनी के केंद्रीय भाग को, केंद्रीय भाग को बल्ज कहते हैं, बल्ज कहते हैं। मंदाकिनी के केंद्रीय भाग को बल्ज कहते हैं। तो आपके ब्लैक होल कहां पाए जाते हैं? हाँ जी, ब्लैक होल कहां पाया जाएगा, बल्ज में। ठीक है, तो लिख लो ब्लैक होल, ब्लैक होल बल्ज में पाए जाते हैं, बल्ज में पाए जाते हैं। क्या भूलोगे इतना, जब इतना आपने देख लिया उसका आकार किस तरह से है, सबसे बाहरी वाला हिस्सा कौन सा कहलाता है, मध्य वाला कौन सा कहलाता है, मिड वाला कौन सा कहलाता है। ठीक है, ब्लैक होल बल्ज में पाए जाते हैं आपके। हाँ जी, मंदाकिनी सभी, ये तो हम समझ रहे हैं मंदाकिनी, लेकिन जितनी भी आकाश गंगाएं हैं ना उनका जो केंद्रीय भाग है वो क्या है, बल्ज है। मंदाकिनी जितनी भी आपके आकाश गंगाएं हैं सबका केंद्रीय भाग क्या है, बल्ज है। ठीक है, आगे देखो, सूर्य अपनी मंदाकिनी का चक्कर, कि सूर्य है यहां पे, सूर्य है, सूर्य कौन सी अवस्था में, अभी बाहर वाली में बिल्कुल अभी। ठीक है, ये क्या है आपका सूर्य, सूर्य। ठीक है, चक्कर किसका लगा रहा है, मंदाकिनी का। सूर्य चक्कर किसका लगा रहा है, मंदाकिनी का। तो ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज पूछा जाता है, सूर्य मंदाकिनी का चक्कर क्लॉकवाइज लगाता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज लिख लो, सूर्य, सूर्य मंदाकिनी का चक्कर, मंदाकिनी का चक्कर एंटी क्लॉक वाइज लगाता है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान, चक्कर सब लगा रहे हैं यहां पे, कोई नहीं खड़ा, और चक्कर का ही खेल है सारा का सारा, सब एक दूसरे के चक्कर में पड़े हैं यहां पे। ठीक है, ठीक है, कैसे, ब्लैक होल तो वो है जब मर जाओगे चक्कर लगाते लगाते, ब्लैक होल वो अवस्था है जब मर जाओगे चक्कर लगाते लगाते। अब यहां समझ लो क्या है आपके, क्या हमने सूर्य देख लिया, अभी सूर्य किसका चक्कर लगा रहा है, ठीक है, मंदाकिनी का। ठीक है, आपका ठीक है, पृथ्वी चक्कर किसका लगा रही है, अब पृथ्वी कहां है आपकी, पृथ्वी आपकी यहां होगी, मैं बता समझा रहा हूं भाई साहब, और भी ग्रह आपके केवल। ठीक है, ये पृथ्वी है आपकी, जैसे तारा, अभी आपका तारा मंडल, ये तो ग्रह है आपके, जो सौर मंडल है, सूर्य के आसपास के क्षेत्र को सौर मंडल कहा जाता है। उसके बाहर वाली अवस्था में क्या होते हैं, ग्रह होते हैं। उसके बाहर वाली अवस्था में क्या होते हैं, आपके तारा मंडल होता है। उसके बाहर वाली अवस्था में नक्षत्र होते हैं आपके। ठीक है, तो बस अभी केवल इतना समझो आपका क्या है, यहाँ पे ग्रह है ये सारे, ये क्या है आपका, चलो चलो अभी रुक जाओ। ठीक है, ये क्या है आपका सूर्य के आसपास का क्षेत्र क्या है, सौर मंडल, सौर मंडल। ठीक है, ये आपका सौर मंडल है पूरा। तो क्या यहाँ पे इसी सौर, इसमें बाहर वाली अवस्था कौन सी है, ग्रह होगी है। ग्रह कितने हैं, आठ है, ग्रह आपके आठ है। ठीक है, ग्रह आपके आठ है, इसके बाहर वाले क्षेत्र कौन सी संख्या आपके, नक्षत्र है, नक्षत्र। तो नक्षत्र है, है जी, हाँ 27 आपके नक्षत्र, आपके जो नक्षत्र है कितने, 27। और इसके बाहर वाली जो अवस्था है, अभी मैं पूरा बताऊंगा एक बार, बस मैं समझा रहा हूं, खैर जो चक्कर चल रहा है, ठीक है, वो क्या है आपका, तारा मंडल, तारा मंडल। और तारा मंडल की संख्या कितनी है आपकी, 89। ठीक है, तो अभी इसे पूरा एक बार देख लो, मैं इसे मिटा देता हूं, इसे बताता हूं आपको पूरा। देखो यह है ना, पहला चक्कर समझो कौन किसके चक्कर लगा रहा है, पहले चक्कर समझ लो, चक्कर कौन किसके लगा रहा है, क्योंकि पूछा जाता है कौन किसके चक्कर लगा रहा है, किसके आसपास घूम रहा है। ठीक है, वो तो समझ में आ जाएगा कौन किसके बाहर है कौन नहीं है किसके बाहर। हाँ जी, सूर्य चक्कर किसके लगा रहा है,
सूर्य चक्कर, किसके चक्कर में पड़ा है सूर्य? मंदाकिनी के चक्कर में, मंदाकिनी के चक्कर में पड़ा है सूर्य, ठीक है। फ्रेंड है देवयानी इसकी, इतनी जल्दी चक्कर में नहीं आने की इसके, ठीक है। हाँ वो दिमागदार है थोड़ी सी, ठीक है। अब पृथ्वी चक्कर लगा रही है किसके? देखो सूर्य चक्कर में पड़ा मंदाकिनी के, ठीक है, और पृथ्वी चक्कर में किसके पड़ी है? चक्कर के। पृथ्वी चक्कर किसके लगा रही है? सूर्य के। तो यहां क्या है, एक दूसरे के चक्कर में पड़े सब, ठीक है। और चंद्रमा चक्कर किसका लगा रहा है फिर? चंद्रमा किसके चक्कर में पड़ा है? चंद्रमा चक्कर में पड़ा है किसके? पृथ्वी के। अभी बताऊंगा सारी चीजें। और मंदाकिनी किसके चक्कर लगा रही है फिर? मंदाकिनी किसका? ब्रह्मांड का, ब्रह्मांड का, ठीक है। अब ये देखो यहां पे ना कोई किसी का सगा नहीं हो रहा है, इससे सफलता नहीं मिल रही, इतनी जल्दी सफलता थोड़ी मिल जाएगी, टाइम लगा, मेहनत लगेगी, ठीक है। हाँ ब्लैक होल देखो कहते हैं ना कि इस जन्म में ना मिले तो अगले जन्म में मिल लेंगे, और जिंदा रह के ना मिल पाए तो मर के मिल लेंगे। बहुत से आप सुनते हो ना कि साथ में जाके सुसाइड कर ली, टपक गए, जिंदा कहते हैं लिख के नोट लिख के छोड़ जाते हैं कि हम जिंदा रहते तो मिल नहीं सकते थे, मर के मिल ले रहे हैं। तो इनका मरना है कब? इसका ब्लैक होल, और ये ब्लैक होल में जाके मिल सकते हैं। तो हाँ जी अमन, सूर्य किसके चक्कर में पड़ा है, ठीक है। मंदाकिनी किसके चक्कर में पड़ी है, ठीक है। और पृथ्वी किसके चक्कर में पड़ी है, और चंद्रमा किसके चक्कर में पड़ा है, ठीक है। एक बड़ा सिंपल सा आएगा सीक्वेंस में देख लो से आप, सूर्य चक्कर में पड़ा मंदाकिनी के, और जो सूर्य चक्कर में पड़ा मंदाकिनी के, और सूर्य के चक्कर में कौन पड़ी है? पृथ्वी। और पृथ्वी के चक्कर में कौन पड़ा है? चंद्रमा। और मंदाकिनी जिसके पीछे सारा झाड़ है, अगर जिसके पीछे सारा झाड़ है और वही एक्सेप्ट कर लेती, हाँ ठीक है मैं एक्सेप्ट करती हूँ, रहती हूँ तुम्हारे साथ, बात खत्म यार, कितने चक्कर लगते। ए और क्या, एक बार खत्म करो मान के अपने यहाँ जी। अब ब्रह्मांड क्या है? अब ब्रह्मांड, अब ब्रह्मांड क्या है? बहुत बड़ा है। हाँ जी इतना सीरियस क्यों हो रहे हो भाई, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है, क्या समझ लो, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी भावना कहाँ जा रही है, कोई नहीं मानने वाला तुम्हारी बात को, ठीक है। यहाँ देख लो पॉइंट है बात में, लेकिन वो ज्यादा सीरियस वाला पॉइंट हो गया, इतना सीरियस मत आओ भाई, पढ़ लो ठीक है। हाँ ठीक है, अभी इतना समझ में आया। अरे ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन आपके, नॉर्मल क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं, लिख लिया, आगे देखते हैं चलो, ठीक है। अब आगे देखते हैं, सूर्य मंदाकिनी का चक्कर, मंदाकिनी का चक्कर, मंदाकिनी का चक्कर। अब देखो आप चक्कर तो लगा रहे हो तो आपकी स्पीड क्या है? अगर आप किसी का पीछा कर रहे हो तो कोई स्पीड तो होगी ना, एक स्थिर गति रखनी पड़ेगी आपको पीछा कर रहे हो तो किसी का, तो इसकी स्पीड है, एक स्पीड आपकी नॉर्मल स्पीड है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड है, लिख लो। सूर्य मंदाकिनी का चक्कर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड से, चक्कर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड से लगाता है, अब भाई साहब की पलक झपकते ही ना आपको दिखेगी नहीं कहां गई आंखों का, या तो तोर बढ़ा लो काजल लगा लगा के, ठीक है। चलो आगे देखो, ठीक है, स्पीड पूछ लेते हैं कई बार। हाँ जी साहब, स्पीड पूछी जाती है कई बार, सूर्य मंदाकिनी या गैलेक्सी जो आपकी मिल्की वे है, दूध मेखला है, उसका जो चक्कर लगा रहा है क्या स्पीड है उसकी? 250 किलोमीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। तो उसे एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? अजीब पागल हो गए हो, ये तुम्हारे करीब बैठी हुई कोई गांव के आस पड़ोस की थोड़ी है कि यहां पहुंच गए एक महीने में घूमते घूमते, ठीक है। स्पीड लिख लो आगे, सूर्य एक चक्कर पूरा करने में, सूर्य एक चक्कर, सूर्य एक चक्कर पूरा करने में, और समझ में आ जाएगा देखो कितना बड़ा है, 25 करोड़ वर्ष सूर्य एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष लगाता है। तो
नहीं इसकी स्पीड भी कम कहाँ है, स्पीड इनकी भी नहीं। एक चीज ध्यान रखना, ये ज्यादा दूर ही नहीं चलते इनकी स्पीड में, मतलब आगे पीछे ही थोड़े दूसरे एक दूसरे के, ठीक है। सब क्या है, रोटेशन में है, सब गति में है, ठीक है, लेकिन पकड़ नहीं पा रहे हैं। और शुक्र मनाओ ना पकड़े तो ही अच्छा है। पकड़ जाओगे तो अभी सब खत्म है, ठीक है। और एक चीज और, हाँ जी, जिस वर्ष आपका चक्कर कंप्लीट होता है ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। जिस वर्ष चक्कर कंप्लीट होता है, जैसे आपका चक्कर कंप्लीट हो गया और एक्सेप्ट हो गया, तो प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, आप उस साल को भूलोगे नहीं, उस महीने को नहीं भूलोगे, ठीक है। तो इसी तरह इसका है, जिस वर्ष चक्कर पूरा होता है, उसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं, ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। वैसे नासा बताएगी, नासा अपने आप ही बहुत पूरे साल भर न्यूज चलेगी, ठीक है, पूरे साल भर न्यूज चलते। भाई साहब मुझे जितना आपके एग्जाम के आपके एग्जाम ओरिएंटेड जरूरी है उतना मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है। अगर इतना जानना है तो आपके सबके पास है ना फोन है, जो आप चैटिंग में लगे रहते हो उसे उठा के ये चेक कर लो, लास्ट ब्रह्मांड वर्ष कब कंप्लीट हुआ था। सही लिखा है मैंने, वो है लग गया था पहले, ठीक है। हाँ ऐसे लिखते ब्रह्मांड। अरे ठीक है, तुम्हें जैसे सही लिखना आता वैसे लिख लो भाई, ब्रह्मांड को कौन सी दिक्कत है, यूनिवर्स लिख लो। तो मैंने भी तो ये लिखा है। अच्छा। अरे इतना ध्यान मत दे करो यार, ऊपर जब सही लिख दिया वहां से लिख लो। हाँ जब ऊपर सही लिख दिया तो वहां से लिख लो, एक बार रह भी गया तो। और हो जा, देखो सुनो क्या, आगे देखते हैं, ठीक है। हाँ जी, जो सूर्य है, जो आपका सूर्य है, ये वाला जो सूर्य है, इसका सबसे करीबी तारा कौन सा है, सूर्य के सबसे करीबी तारा। हाँ जी, सूर्य के सबसे करीबी तारा, करीबी, हाँ जी वही है प्रोक्सिमा सेंचुरी, आपकी प्रोक्सिमा करीबी तारा, प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना। सूर्य के सबसे करीबी तारा कौन सा आपका, प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो कितना करीब हो सकता है तारा फिर, अगर तारा करीब है तो कितना करीब हो सकता है। देखो ज्योग्राफी में मैंने पहले बताया कि जो करीब है, तो इतना करीब नहीं है कि जितना आप करीब हो, है जी। कुछ तो बोला था, कुछ आपने लेकिन सही बोला, लेकिन कुछ आपका रह गया। अगर एक सेकंड में, अगर ये इतना करीब है, अगर एक सेकंड में 300,000 किलोमीटर चला जाए, तब आप 4 वर्ष में पहुंच जाओगे। जाओ पहुंचेंगे, ठीक है, इतना करीब है। अगर एक सेकंड में आपका 300,000 किलोमीटर चला जाए, ठीक है, जब आपके कितने लगेंगे, ठीक है, तो इतना करीब है जो आपका माना जाता है। और दूर में सोच लो फिर कितना दूर में होता होगा, करीब में जब इतना करीब है तो दूर की, तो फिर दूर का तो फिर अलग ही झाड़ है यहां पे, ठीक है। हो गया आपका ये, आगे देखते हैं आपका तारामंडल। तारामंडल हाँ जी,
कहां पे? एक सेकंड में 300,000 किलोमीटर चलने पर 4 वर्ष में पहुंच पाएंगे वहां पे। जो भी बोलना वो बोलो, तुम्हारा मन है, मैं तो सबको बता दिया जो है, ठीक है। सूर्य से एक स्थित दूरी पर स्थित बने तारों की आकृति को तारामंडल कहते हैं। ठीक है, तारामंडल कहते हैं आपके। तो सूर्य क्या आपके, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जैसे ये क्या है आपका, सौर मंडल है, सौर मंडल, ठीक है, जहां पे आपका सूर्य है। इसके बाहर आपका क्या आ गया, ग्रह आते हैं आपके, ग्रह, ठीक है। इसके बाहर आपके उपग्रह कहां जाओगे, उपग्रह, ग्रह के बाद पढ़ेंगे, उपग्रह देखेंगे क्या आपके, ठीक है। ठीक है, इसके बाद आपके नक्षत्र आते हैं, नक्षत्र, उसके बाद आपके आते हैं तारे, तारामंडल से कहते हैं तारामंडल, ठीक है, तारामंडल के बाद आपका क्या होता है, आकाशगंगा बनती है, इसे कहते हैं आपके आकाशगंगा, ठीक है। आकाशगंगा के बाद क्या बनता है, सुपर क्लस्टर जिसे कहते हैं, जिसमें तीन तीन आकाशगंगाएं मिला दी जाती है एक जगह। तो ग्रह कितने हैं आपके, 8, और नक्षत्र कितने, 27, ठीक है। ग्रह आपके कितने हैं, 8, और नक्षत्र आपके 27, और तारामंडल आपके 89, ठीक है। आकाशगंगा आपको पता है 100 अरब है, ठीक है। सुपर क्लस्टर में कितनी आकाशगंगाएं होती हैं, जो उसके बाहर का हिस्सा बनता है, बना लेना इसे एक बार आप पूरा, ठीक है। इसे बोलते हैं आपका सुपर क्लस्टर, सुपर क्लस्टर, ठीक है, सुपर क्लस्टर। और सुपर क्लस्टर के बाहर क्या है आपका, ब्रह्मांड। हाँ जी, नक्षत्र से नीचे ग्रहों के आसपास मिलते हैं, ग्रहों से नीचे, ठीक है, अलग। किसकी, सैटेलाइट की कोई संख्या निश्चित थोड़ी ना, मतलब कौन से, एक तो सैटेलाइट, कौन सी सैटेलाइट, हम एक तो जो साइंटिस्ट भेजते हैं, आर्टिफिशियल, उपग्रह, अभी तो केवल हम ये देख रहे हैं, अभी जो ग्रह है ना, ग्रहों के साथ देखें कितने उपग्रह हैं आपके अभी। हाँ, वो आगे टॉपिक आएगा आपका सारा। हाँ जी, अरे भाई साहब परेशान मत हो, आपके जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा उसके साथ देखते रहना। ग्रह के नाम बता दी मैंने, कौन कौन से ग्रह हैं, अभी नक्षत्र बता दी मैंने, कौन कौन से नक्षत्र हैं, तो फिर तो रुक जाओ भाई साहब, तसल्ली करो, ठीक है। यहाँ पे आपका ब्रह्मांड पड़ता है, ब्रह्मांड, ठीक है, इस तरह से आपका चलता है पूरा सौर मंडल, ठीक है। में संख्या 89, ठीक है, लिख लेना। आपके ना कई सारे तारामंडल हैं, एक तारामंडल नहीं है, कई सारे तारामंडल हैं, मतलब जब आपके 89 है तो इसमें, लेकिन कुछ क्या है, कुछ क्या ना नाम रख दिए गए, कुछ तारामंडलों के नाम रख दिए गए। तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए सबसे करीब तारामंडल कौन सा है, सबसे करीबी आपका, ठीक है, सेंट्रोट्राहाइड्रा सबसे प्रमुख है, सबसे प्रमुख तारामंडल है, ठीक है, कौन कौन से, सेंट्रा और हाइड्रा,
और सबसे बड़ा, अगर आपसे पूछ ले सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, हाइड्रा, सबसे बड़ा तारामंडल, सबसे बड़ा तारामंडल आपका क्या है, हाइड्रा।